स्टडी लवर चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दिस इज जीतू नागर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। आर आपको दिया हुआ है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और आर डेस संबंध इस प्रकार दिया हुआ है आपको कि ए कोमा बी उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जहाँ पर द्वितीय क्रमिक युग्म प्रथम क्रमिक युग्म के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। द्वितीय क्रमिक युग्म प्रथम क्रमिक युग्म से बड़ा होगा या उससे के बराबर होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आर डेस संबंध और समुच्चय में क्या संबंध होता है। जो आपका संबंध होता है वो हमेशा क्या होता है, जो समुच्चय होता है उसका कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं, इन दोनों में संबंध होता है, ठीक है ना। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु संबित नहीं है। तो ये बोल रहा है कि संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु संबित नहीं है। तो जांच कर लेते हैं स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य, ठीक है। फोरी ऑर्गेनिशन लगाया, क्यों लगाया, आर के जितने भी अवयव वो सब आप ले रहे हो, ठीक है। ये अवयव किसका, आर का, के लिए आप क्या देखोगे, की के लिए आप देखोगे इसका स्वयं का संबंध स्वयं के साथ कर दो। जो अवयव लिया आपने सूत्र में मिसा उसका स्वयं का स्वयं के साथ संबंध कर दो। तो ए लिया आपने तो ए कोमा ए अवयव होगा किसका, आर डेस का। जो आपको संबंध दिया हुआ है उसका अवयव होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर संबंध, देखो कैसे चेक करना है, ध्यान दो इन दोनों अवयवों में आपस में क्या संबंध है कि ये दोनों कर्मिक युग्म या तो आपस में बराबर होनी चाहिए या द्वितीय कर्मिक युग्म प्रथम से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, हे बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर ए है, इसलिए अगर इसका अवयव है तो ये क्या हो जाएगा, आर डेस आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इसलिए आर डेस स्वतुल्य है। एग्जांपल देने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर है दोनों, एग्जांपल की आवश्यकता नहीं है। सममित की बात कर लेते हैं, सममित अब देखो सममित में किंतु सममित नहीं है, प्रूफ करना है। यदि कोई भी कर्मिक युग्म उठा लो, प्रत्येक कर्मिक युग्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये यदि ए कोमा बी अब ये आपका आर डेस का, मैंने इसके अंदर से एक कर्मिक युग्म उठा लिया, प्रत्येक कर्मिक युग्म की लिए बात कर रहे हैं अब ये के लिए आप क्या देखोगे, के लिए आप देखोगे किसको घुमा दो सममित में, इसको उल्टा कर दो, द्वितीय को फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को सेकंड बना दो, तो ये हो जाएगा आपका बी कोमा ए अब ये होगा किसका, आर डेस का। क्या संभव है क्या, क्योंकि इसका अवयव है, क्योंकि बी या तो ए के बराबर है या ए से बड़ा है, ठीक है, तभी संभव है। मैं मान के चल रहा हूँ बी बड़ा है ए से, तो क्या ए बड़ा हो सकता है क्या दूसरी कंडीशन में बी से, नहीं हो सकता, अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, अब देखो नहीं है, क्योंकि यदि ए बड़ा है बी ए, ठीक है ना, इसके लिए तो ये तो अवयव हो गया। तो द्वितीय कर्मिक युग्म ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से, ये कंडीशन लागू हो रही है कि बी बड़ा है ए से, तो ए से बी छोटा होगा, बड़ा हो सकता है क्या, ए बड़ा हो सकता है क्या बी से, ये तो छोटा है बी से, वहाँ देखो ए से छोटा है बी से, तो ये बड़ा हो सकता है क्या बी से, नहीं हो सकता, छोटा होगा ना ए,
तो ये क्या होगा आपका अवयव नहीं होगा, क्योंकि ए ए को बी से बढ़ा नहीं है, जबकि कंडीशन लग रही है ये वाला अवयव है, तो बी बढ़ा है ए से, तो ये बढ़ा नहीं हो सकता बी से, ए बढ़ा होना चाहिए यहाँ पर, नहीं हो सकता संबंध के अकॉर्डिंग, इसलिए आर डेस सम्मित नहीं है। ये एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लो एग्जांपल 3,4, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, अवयव आर डेज का के लिए आप क्या देखोगे कि इसको घुमा दो, फर्स्ट को द्वितीय को फर्स्ट बना दो और फर्स्ट को सेकंड कर दो, तो 4,3 अवयव होगा आर डेज का, ये क्या नहीं है। अब देखो रीजन, यहाँ साफ पता चलेगा एकदम, बराबर की बात में नहीं करूँगा क्योंकि बराबर की बात में वहाँ कर चुका हूँ, इसलिए मैं बड़े की बड़े को लेके चलूँगा क्योंकि बराबर की बात अपनी स्वतुल्य में हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप सोचो यहाँ 3,3 भी तो ले सकते हो, नहीं ले सकता क्योंकि स्वतुल्य में बात हो चुकी है, ठीक है। तो 4,3 अवयव आर डेज का नहीं है, क्योंकि 3 से बड़ा है 4, तो यहाँ क्या होना चाहिए 3 बड़ा होना चाहिए, 3 4 से बड़ा नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपका सम्मित नहीं है, आर डेज आपका सम्मित नहीं है। अब बात करेंगे अपन संक्रामक की, तो ये स्वतुल्य तो है, ठीक है ना, ये सम्मित नहीं है। एग्जांपल 3,4 ले लिया मैंने, और 3,4 इसका क्या होगा अवयव होगा, क्योंकि 4 क्या है 3 से बड़ा है, और 4,3 इसका अवयव नहीं हो सकता क्योंकि 3 बड़ा नहीं 4 से, द्वितीय कर्मी क्यों बड़ा होना चाहिए फर्स्ट से, ठीक है ना, तो इसका अवयव नहीं होगा। अब बात करेंगे संक्रामक की, आप नोट कर लिया करो साथ का साथ, ठीक है ना। देखो संक्रामक की बात कर लेते हैं, संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में देखो यदि ए कोमा बी अवयव आपका किसका आर डेज का, और बी जो यहाँ पे उसका किसी अन्य के साथ ऐसा कर्मी को मुटाना है जो यहाँ है वो किसी अन्य के साथ भी संबंधित हो, तो मैंने डाले बी कोमा सी अवयव आर डेज, तो आप देखोगे तो आपको चेक करना है कि ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो ए कोमा सी अवयव आर डेज है। देखो क्यों है, रीजन देखो, क्योंकि जो बी है वो बड़ा है ए से, ठीक है, और सी है वो बड़ा है बी से, ठीक है ना, बी से भी बड़ा सी है, इसलिए क्या हो जाएगा सी बड़ा हो जाएगा किससे ए से, ए नहीं है। आप खुद देखो कि आपका बी ए से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है, तो सी तो ए से बड़ा होगा ही होगा, अतः आर डेस क्या है संक्रामक है, अतः आर डेस संक्रामक है, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन का तो खेल खत्म। तो एक्सरसाइज 1.1 के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आपको कुछ भी छोटे से छोटी भी डाउट हो ना, सर ऐसे सर ऐसे सर ऐसे हो सकता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें,
ताकि मैं उन आपके कमेंटों का जवाब दे पाऊँ और आपके डाउट दूर कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।